हरि ओम। ओम ज्ञानतिमिरं तस्य गानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हेय छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा हय ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम राम राम। बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में भक्तिवेदास नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन भक्तों को बुला करके बोले बोले देखो सबके सब श्री चंद्रशेखर घर में उपस्थित होना। उसी दिन मैं स्वयं रुक्मिणी की आवेश में वहां पर मैं लीला दर्शन कराऊंगा, लेकिन वह लीला में वही प्रवेश कर सकते हैं जो जितेंद्रिया। इतने में अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित बोले बोले प्रभु फिर तो हम प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हम तो जितेंद्रिया है ही नहीं है। महाप्रभु बोले कोई चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से ही सबके सब तुम जितेंद्रिय हो जाओगे, चिंता मत करो। इसलिए सारे भक्त लोग चंद्रशेखर घर में सबके सब उपस्थित हुए और महाप्रभु सबको एक एक उन्होंने एक एक रोल दे दिया। बोले तुम्हारी रोल नारद है, तुम्हारी रोल है कटुआल है, तुम्हारी रोल है, अलग अलग उनको रोल दे दिया। और श्री नारद जी बोले देखो मैं गया हुआ था वैकुंठ, लेकिन देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, वैकुंठ में कोई है ही नहीं। हमने पूछा वैकुंठ में नारायण कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ हैं। बोले अभी तो ठाकुर जी मरते जगत में श्री नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में गए। जब ये सब बसो इसलिए नवद्वीप धाम में गए हुए हैं। श्री नवद्वीप धाम में गए हुए हैं। इतने में महाप्रभु ने श्री रुक्मिणी की आवेश में महाप्रभु अपना कैसे उन्होंने
नाटक किया है, जिस लीलाओं को देख करके भक्त लोग सबके सब मुक्त हो गए, कि तुम वहां पर भी सच्ची मैया भी देख करके बिहोल हो गई, पहचान नहीं सकी ये कौन है। इसलिए कहते जिनकी भावना रही जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, कहते उसी तरह कोई श्रीमन महाप्रभु को साक्षात कमला लक्ष्मी रूप में दर्शन कर रहे थे, कोई उनको जोग माया रूप में दर्शन कर रहे थे, कोई उनको सीता भाव से दर्शन कर रहे थे, कोई उनको पहचान नहीं पा रहे थे, कोई उनको साक्षात रुक्मिणी देवी रूप में, कोई महाचंडी रूप में, कोई श्रीमती राधा रानी रूप में, कोई आद्याशक्ति रूप में, श्री नित्यानंद प्रभु प्रभु को दर्शन करके वहीं पर मूर्छित हो गए। अभी जब उन्हें प्रभात हुआ, जब सवेरे हुआ, जितने भक्त लोग महाप्रभु का रुक्मिणी के रूप दर्शन करते हुए, सबके सब भक्त लोग रो रहे थे, सबके जब धैर्य धारण नहीं कर पा रहे थे, श्रीमन महाप्रभु ने कहते जगत माता जगत जननी रूप में सभी को उन्होंने स्तन पान कराया। जब उन्हें सबको स्तन पान कराया तब सभी के दुख दूर हो गया, सबके सब प्रेम रस में, सबके सब प्रेम रस में सबके सब डूब गए। बोले बाह्य हैले विश्वंभर सर्व वैष्णवरे महाभक्ति करें विशेष अद्वैतरे। जब महाप्रभु का जो आवेश, रुक्मिणी के आवेश महाप्रभु का जब भंग हुआ है, इतने में महाप्रभु अपने आप को एक भक्त रूप में मान करके सब भक्तों को आदर दे रहे थे। विशेष करके कहते श्री अद्वैत आचार्य को तो विशेष आदर दे रहे थे। बोले कारण क्या है? बोले कारण है अद्वैत आचार्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य है। कहते ये माधवेंद्र पुरीपाद कौन है? कहते महाप्रभु का जो गुरु ईश्वरपुरी, कहते ईश्वरपुरी का जो गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी। इसलिए महाप्रभु का जो गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी कहते अद्वैत आचार्य उनके गुरु भाई, मतलब अद्वैत आचार्य संबंध में महाप्रभु का गुरु वर्ग लगते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु कहते मर्यादा लंघना में सहित ना पारी। महाप्रभु सबको यथा योग्य सम्मान देते थे, कभी किसी को असन्मान नहीं करते थे। इसलिए कहते यहाते असुखी बड़ा शांति पूरी नाथ मने मने गर्जे। लेकिन इसी व्यवहार से श्रीमान अद्वैत आचार्य बड़े दुखी। बोले क्यों दुखी? कारण क्या? बोले कारण है अद्वैत आचार्य जानते हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु कौन? ये स्वयं कृष्ण है, हैं? ये स्वयं कृष्ण। अद्वैत आचार्य कौन? बोले ये सदाशिव है, ये महाविष्णु का अवतार है। और महा जो विष्णु है, कृष्ण का अभिन्न बलदेव, बलदेव प्रभु से संकर्षण, उससे चतुर्व्यूह, उससे फिर हैं ये महाविष्णु है। इसलिए तत्व दर्शन में श्री चैतन्य महाप्रभु लगते हैं, अद्वैत आचार्य हैं, कहते इनकी प्रभु लगते हैं। अगर प्रभु अगर अपना भक्तों को आदर करे चरण धूलि ने, भक्त इसको कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए मन मन में तो बड़े दुखी होते थे, गर्जन करते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, हैं? कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि महाप्रभु के सामने इनकी कुछ टिकता नहीं। महाप्रभु तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, और उनको साथ में लड़ाई करके भी नहीं हैं पार पाएंगे। महाप्रभु जोर जबरदस्ती उनके चरण में अपना सर को घींच लेते थे। अभी अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि उनको जीतने का केवल एक ही उपाय है। भगवान कहते हैं मैं सबको सामने तो जीत जाता हूँ, लेकिन एक जगह पर मैं हार जाता हूँ। बोले कहाँ पर हार जाता हूँ? बोले भक्ति को पास, केवल भक्ति रवास चैतन्य गोसाई, केवल भक्ति को पास में ही महाप्रभु हार जाते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं ऐसे क्या किया जाए, जो कि महाप्रभु मेरे को जो इतने सम्मान देते हैं, सम्मान नहीं दे कर मेरे को दंड प्रदान करें, ऐसे क्या काम किया जाए। पर वो सोच रहे हैं
महाप्रभु जगत में आए तो क्यों आए, किस लिए आए? बोले जयती निज पदाब्ज प्रेम दाना अवतीर्णो। इसलिए महाप्रभु जगत में जो आए हैं, बोले जयति निज पदाब्ज प्रेम दाना अवतीर्णो विविध मधुरा मधुरमाब्धि को अपी कई स्वर गंधी। महाप्रभु इस जगत में आने का कारण है, जगत में निज भक्ति को दान देने के लिए महाप्रभु जगत में आए। इसलिए केवल प्रेमेर बस चैतन्य गोसाई, केवल प्रेम को द्वारा ही महाप्रभु बसीभूत होते हैं और किसी को द्वारा बसीभूत नहीं होते हैं। इसलिए महाप्रभु सब चीज को तो सहन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को कभी वो सहन नहीं कर सकते। किस चीज को सहन नहीं कर सकते? अगर कोई भक्ति को अगर कोई अनादर करे ना, महाप्रभु कहते हैं मैं कभी भी भक्ति को अनादर को मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अद्वैत आचार्य मन मन में सोच रहे हैं, बोले भक्ति ना माने ले क्रोध है अपना पासरी, प्रभु मरे शास्ति को करीबे न चूले धरी। हैं अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं, बोले भक्ति ना माने ले क्रोध अपना पासरी, अगर मैं भक्ति को स्वीकार नहीं करूँ ना, धैर्य महाप्रभु तो अपने आप को भूल जाएंगे। भूल करके क्या करेंगे? प्रभु मरे शास्ति को करीबेन चूले धरी, महाप्रभु फिर मेरे को अपना केस को पकड़ करेंगे, फिर तो पिटाई करेंगे मेरे को, हैं पिटाई करेंगे। इसलिए एक ग्रंथ है जिसका नाम योग वशिष्ठ है, और योगेश वशिष्ठ ग्रंथ में वहां पर श्री वशिष्ठ के साथ में भगवान राम का वार्तालाप है, हैं वार्तालाप श्री वशिष्ठ जी को साथ में हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं आप जो मैं वही और मैं जो आप भी वही, क्योंकि आपका अंदर में परमात्मा मेरे अंदर भी परमात्मा, आपका अंदर में भी आत्मा मेरे अंदर में भी आत्मा है, आप जो मैं वही। इसलिए ये योग वशिष्ठ ग्रंथ में जहाँ पर ज्ञान को, जहाँ पर ज्ञान की महिमा बताई गई और जहाँ पर भक्ति की विरोध ग्रंथ है, ये मायावादियों का ब्रह्मवादियों का ये ग्रंथ है। भगवान को जो लोग निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये ग्रंथ है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, ये ग्रंथों को उन्होंने भक्तिर विद्वेष छलना करके, अद्वैत आचार्य स्वयं सदाशिव है, महाविष्णु है जो भक्ति की महिमा को हर समय पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, जहाँ हर समय भक्ति की पंचमों में गान करते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया, एक उन्होंने छलना किया है, उन्होंने के छलना करके उन्होंने भक्ति का उन्होंने विद्वेष करना शुरू किया है। इसलिए क्या उन्होंने क्या बोले, कहते ज्ञान के को छोड़ करके भक्ति में कोई ताकत है ही नहीं है, इसलिए भक्ति का प्राण क्या है, बोले ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं हो ना, अगर सर्वशक्ति अगर किसी में है, किसी में सर्वशक्ति, बोले ज्ञान में सर्वशक्ति है। इसलिए हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दे करके उन्होंने समझाए है, अगर भक्ति किया है बोले दर्पण है, बोले आंख किया है बोले ये ज्ञान है। इसका मतलब है अगर आंख तुम्हारी नहीं पर ये दर्पण का क्या काम है, शीशा का क्या काम है, बेकार है। इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है ना, फिर तो ये सबके सब बेकार है, हैं। इसलिए हमने सारे शास्त्र को पढ़ा, सारे शास्त्र को पढ़ करके हमने देखा सार क्या है, बोले ज्ञान ही सार है। उन्होंने ऐसे ही योग वशिष्ठ ग्रंथ को अद्वैत आचार्य ने खूब पंचमों में ज्ञान की खूब बढ़ाई कर रहे थे, ज्ञान को खूब बढ़ाई कर रहे थे। कहते एक दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु एक दिन नवद्वीप धाम में दोनों प्रभु विहार कर रहे थे। जब विहार कर रहे थे ऐसे कैसे लग रहा था, मानो ऐसे लग रहा था हैं, एक साथ में जैसे दो चंद्र जैसे होते हो गए। चंद्र तो एक होता है, चंद्र एक होता है, लेकिन आज लग रहा था जैसे दो चंद्रमा, आज नवद्वीप धाम में दो चंद्रमा प्रकट हो गए, इतने सुंदर लग रहे थे। इसलिए जिसको देख करके कहते स्वर्ग के जो नर नारी भी जिनकी रूप को देख करके वही मोहित हो रहे थे। तब वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
भैया देवता लोग भगवान का रूप को देख करके मोहित हो जाएंगे उसमें बड़ी भारी कोई बात नहीं, क्योंकि जिनको देख करके वेद भी मुक्त हो जाता है, हैं? जहां पर ब्रह्मा स्वयं मुक्त हो गए, स्वयं शंकर भी मुक्त हो गए, स्वयं श्री इंद्र भी मुक्त हो गए, इनको देखकर मुक्त होना ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, हैं? ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बोले चलो आज हम श्री अद्वैत जी को घर में हैं, अद्वैत को घर में जाते हैं। जब श्री अद्वैत आचार्य घर में आ रहे थे ठीक उसको बीच में एक धारी सन्यासी का घर आता है। महाप्रभु ने वो धारी सन्यासी को कृपा करने के लिए धारी सन्यासी को ने जिसको साथ में स्त्री रहते हैं लेकिन वो सन्यासी वेश तो ऊपर है सन्यासी वेश है लेकिन रहते हैं किसको साथ में लेकिन एक स्त्री को साथ में वो रहते हैं तो उसको कहते धारी सन्यासी लेकिन सन्यासियों को स्त्री को साथ में नहीं रहनी चाहिए है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु क्या किया उन्होंने श्री छोटा हरिदास को उन्होंने दंड प्रदान किया है। छोटा हरिदास को उन्होंने दंड प्रदान किया है इसलिए वो धारी सन्यासी है कहते वो जो धारी सन्यासी है तो यहाँ पर कह रहे हैं वो जो धारी सन्यासी है कहते ये वामपथ सन्यासी कहते जो वामपथ सन्यासी क्या करते हैं कहते ये सरासर सन्यासी तो वेश धारण किए लेकिन मद्यपान करते हैं मांस खाते हैं मछली खाते हैं मैथुन आदि करते हैं मुद्रा यहाँ पर बताए ये जो पंच तत्व है हैं ये जो पंच चीज है क्या हो गया मद्य मांस मत्स्य मुद्रा और मैथुन मुद्रा क्या मेरे को पता नहीं ये मुद्रा पांच मुद्रा एक दो तीन चार हो रहा है मुद्रा भी कोई चीज है इसलिए कहते ये पंच तत्व है और यहाँ पर और एक उल्टा पुल्टा बात बताया है हैं इसलिए कहते हैं ये वामपति सन्यासी है हैं? एक अपसंप्रदाय है कहते ना आउल बाउल नेड़ा नेड़ी दरवेश सखी भेकी दरवेश आई और चूड़ाधार गौरांग नागरिक कहते इसमें ये है कहते आते समय कोई एक नारी सन्यासी है हैं? जो स्त्री के साथ में रहते हैं अभी महाप्रभु सोच रहे थे हैं इनको इनको पर में भी कृपा करने के लिए इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को साथ में उनको घर में गए जब घर में गए और उनका जो पत्नी थी ना जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखा क्या सुंदर है हैं बहुकोटि चंद्रजिनी बदन उज्जवल अद्भुत सुंदर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों भाई हैं कोटि कंदर्प जिनको देख करके जो धारी सन्यासी की जो पत्नी थी एकदम उसको ऊपर में हाँ लूट गई बोले क्या सुंदर है लेकिन उसी समय समय में जब गए लेकिन उस समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु गृहस्थ है हैं अभी तक गृहस्थ में और जो धारी वो सन्यासी है लेकिन रहता है तो स्त्री को साथ में सन्यासी लेकिन हमारे भारत में क्या करते हैं सन्यासी लोग गृहस्थ लोग का आशीर्वाद देते हैं इतने में उन्होंने दोनों महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उन्होंने आशीर्वाद दिया बोले क्या आशीर्वाद दिया बोले खूब धन दौलत पुत्र परिवार सुंदर स्त्री को द्वारा पास घर तुम्हारी परिपूर्ण रहे भर रहे घर जब उन्होंने आशीर्वाद ये दिया हैं इसको सुन करके हैं महाप्रभु का सर पर हाथ रख करके जब आशीर्वाद दिया बोले महाप्रभु सवारे सिखाए भक्ति बिना के जन की छोई ना चाहे जब उन्होंने ये आशीर्वाद दिया महाप्रभु बोले ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो इसको कोई आशीर्वाद देते हैं इसलिए आशीर्वाद देना तो हम दोनों को कृष्ण भक्ति आशीर्वाद दो कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति आशीर्वाद दो इसको सुन करके जो धारी सन्यासी था बोले देखो ये कलयुग का जीव को देखो कहा मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ अरे अगर तुम्हारी बढ़िया सुंदर स्त्री नहीं होगा धन दौलत नहीं होगा गाड़ी घोड़ा नहीं होगा ये कोई जीवन ही है तभी तो जीवन है जब तुम्हारी स्त्री पुत्र परिवार घर मकान दुकान हो ये आशीर्वाद दे रहा हूँ ये कलयुग कैसे देखो आशीर्वाद दे रहा हो ऐसे भरपूर रहो और ये कह रही ये कोई आशीर्वाद है हैं तब यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं बोले नहीं ये आशीर्वाद नहीं
इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, जैसे श्री प्रहलाद महाराज जैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, हैं? बच्चों को शिक्षा देते समय क्या कहते हैं बच्चों को, बोले देखो ये जो स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान है, कहते जीवन भाग्य में ये जो कुछ होगा वो नहीं चाहने पर भी जीवन में आएगा। तो उन्हें उदाहरण देकर कहते हैं, इस जगत में घर में कोई विपत्ति क्या बुलाता है, घर में कोई विपत्ति दुख कष्ट क्या बुलाता है घर में, लेकिन घर में कोई नहीं बुलाते हैं, लेकिन ये बिना बुलाए ये सब चीज अपने आप आता है, इसको बुलाने का जरूरत नहीं। क्यों? कहते ये भाग्य में तुम्हारी जो लिख गया ना वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो घूम घाम करके कहते ना दाने दानों में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है, इसलिए कहाँ खाओगे क्या रहोगे क्या करोगे ये पूरा तुम्हारी भाग्य में पहले से ही लिख गया। अगर कहीं भी तुम जाओगे ना, भाग्य में अगर लिखा हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा। घूम फिर करके देखना, वहीं पर घूम फिर करके अपने आप वहीं पर तुम्हारे पास में अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास में। इसलिए ये चीज को मांगने का कोई जरूरत नहीं भगवान के पास में, है वो भाग्य में होगा तो आएगा, लेकिन किस चीज की मांगने का जरूरत है, बोले कृष्ण भक्ति मांगो। जिस वस्तु को प्राप्त करने पर जीव ये जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएंगे, इसलिए ये भगवान की भक्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु सवार सिखाए भक्ति बिना केह जन किछुई ना चाहे। महाप्रभु कहते देखो भगवान से भक्ति के बगैर कभी भी कोई चीज को मांग मत हो, एकदम मांगना नहीं। इसलिए ध्रुव जी को है, ध्रुव जी जब भगवान को तपस्या करने के लिए गए, क्यों गए थे, राजा बनने के लिए, हैं? कहते मेरे हिस्सा में बड़ा भैया हूँ, राज सिंहासन में मेरा ही अधिकार, लेकिन मेरा छोटा भैया उत्तम उसको जोर जबरदस्त ले रहे, और राज माता किसको बननी चाहिए, बोले मेरी मैया को, छोटी मैया जोर जबरदस्त बैठी है, इसलिए मैं भगवान को तपस्या करके राजा बनूंगा, मैया को राजमाता बनाऊंगा, हैं? इसी भाव से तपस्या करने के लिए गए, भगवान उनको दर्शन दिया, दर्शन दे करके बोले ध्रुव मैं ऐसे एक देवता हूँ, दूसरे दूसरे देवताओं को अगर तुम कोई चीज मांगो ना, हर चीज नहीं दे सकते, जैसे रावण ने ब्रह्मा जी को बोले अमर वर दो, दिया दे, बोले मैं स्वयं अमर नहीं, तुम्हें अमर वर कहां से दे दूंगा, है? शंकर जी को मांगो, शंकर भी नहीं दे सकते, देवी के मांगो कोई नहीं दे सकते, लेकिन मैं ऐसे के देवता हूँ, तो मुझे जो कुछ मांगोगे मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ, इसलिए मांगना तो मेरे को जी भर करके मांग लो, हैं? जी भर करके मांग लो। लेकिन उन्हें क्या मांगे, क्या मांगे, बोले भक्तिर मोह प्रभवतम तो में प्रसंग, उसके बाद में भक्तिर मुहूर् प्रभुधाम तो में प्रसंग, उसके बाद में भुआ धनंत महिमाम, इसलिए जना जस लुण मरु बिसना, इसलिए वो प्रार्थना किया, बोले प्रभु मेरे को ये बर प्रदान करो, भक्तिर मोह प्रभुधाम तो में प्रसंग भुआ धनंत महताम, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की है मेरे को साधु संग प्रदान करो, भक्तों का मुखार बिंद से जहाँ पर कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है उसी नदी में जैसे हर समय मैं गोता लगा सकूं, मेरे को भक्तों का संग में प्रदान करो, इसलिए प्रभु मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान उनको क्या दिए, नहीं चाहने पर भी भगवान उनको जोर जबरदस्ती दे दिया, क्या दे दिया भगवान ने, जाओ 36,000 साल तक निष्कंठ बन करके राजत्व करो, राजा बनो, भगवान इतने बड़ी चीज दे दिया, निष्कंठ के रूप में 36,000 साल तक राजत्व करो। लेकिन ध्रुव महाराज क्या खुश होकर आए, जब ध्रुव महाराज वापस आ रहे थे ना वो रो रो कर वापस आए, वो दुखी होकर वापस आ गए, भगवान उसको इतने महान चीज दे दिया, सारा दुनिया जिसके लिए है ललचाते हैं जिस वस्तु को पाने के लिए, लेकिन ध्रुव ये संपत्ति पा करके भी ध्रुव रो रो करके घर में आए, सुखी हो करके आए, नहीं बोले भगवान कहाँ मैंने भगवत दर्शन किया है,
भगवान के चरण की भक्ति प्रेम कहाँ मिलनी चाहिए, फिर ठाकुर जी हमें ये झूठे संसार में ठाकुर जी हमें फिर फंसा दिया, झूठे संसार में फंसा दिया। मतलब भक्ति की इतनी महिमा है भक्ति की, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो भगवान को भक्ति के बगैर अगर कोई चीज मांगोगे तो क्या होगा, हृदय के अंदर में जो वासना होगा ना भगवान क्या करेंगे, तुम्हारी हृदय के अंदर में जो वासना उसी वासना को ठाकुर दे करके तुम संसार में फिर फंसा देंगे, फिर माया में फंसा देंगे तुमको। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, भगवान से कभी भी दूसरी चीज नहीं मांगनी चाहिए चाहिए है। इसलिए धन पुत्र पाए गंगा स्नाने हरि नामे सुनिया चले लोक बेदरे कारणे। इसलिए कहते हैं गंगा स्नान में और हरि नाम में कहीं कहीं पर बताया गया है ये सब करने से क्या मिलता है, बोले धन पुत्र परिवार मिलता है। कहीं कहीं पर बताया गया अगर गंगा स्नान करोगे अगर हरि नाम करोगे ना क्या होगा, तुमको धन पुत्र परिवार प्राप्ति होगा। बोले फिर ये सब बात क्यों बताया, फिर क्यों बताया गंगा स्नान हरि नाम से धन बेटा पुत्र क्यों मिलेगा। बोले कारण है कहते जो विषयी व्यक्ति हैं जब तक उनको कोई लोभ नहीं देगा ना वो काम को नहीं करेगा हैं, लोभ नहीं देगा काम को नहीं करेगा। अगर किसी चीज को लोभ दोगे ना हैं क्या करेंगे, बोले वाह हरि नाम करने से धन पुत्र परिवार और ये सब घर मकान दुकान सब मिलेगा। बोले मिलेगा फिर तो हरि नाम करनी चाहिए, गंगा स्नान जानी चाहिए। इसलिए वेद ने इनको लोभ देख दिखा करके धीरे 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 भक्ति में शुद्ध भक्ति में उनको आकर्षण करने के लिए ही शास्त्र में ये सब बात को उन्होंने चिकनी चुपड़ी बात को उन्होंने बताया, धीरे 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 भक्ति में लगाने के लिए हैं। इसलिए यहाँ पर लेकिन कहते संन्यास रूपे शिक्षा गुरु भगवान भक्ति योग कहे वेदे करिया प्रमाण। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितने वेद शास्त्र में जो मुख्य रूप में भक्ति को ही स्थापन करता है, हैं महाप्रभु ने शिक्षा दिया, कारण यही है धीरे धीरे लोगों को ये वेद आकर्षण करता है कैसे धीरे 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 भक्ति में आने के लिए। इसलिए जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको घर में प्रसाद संन्यासी ने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया, महाप्रभु उनके घर में भोजन करे, जब भोजन करे सन्यासी कह रहे हैं थोड़ा आनंद चाहिए, थोड़ा आनंद चाहिए। इतने में महाप्रभु बोले ये क्या करे आनंद चाहिए, भैया ये आनंद क्या चीज है, ये आनंद कहते किसको। नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु ये आनंद शराब को कहते हैं, ये कहते थोड़ा इसलिए कहते थोड़ा खाना खा रहे हो थोड़ा शराब चाहिए मदिरा चाहिए हैं। इतने में उनका जो पत्नी थी वो इनका तो महाप्रभु नित्यानंद रूप देख करके पूरा लूट गई थी इतने सुंदर, तो वो कह रहे थे क्यों ये दोनों सन्यासी को तुम क्यों ये दोनों व्यक्तियों क्यों तुम तंग कर रहे हो, भोजन कर रहे हैं वो आनंद में भोजन करने दो ना हैं, इनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। लेकिन महाप्रभु को जब पता चला कहते आनंद चाहिए और आनंद कह रहे हैं इस शराब को, महाप्रभु ने किया क्या जल्दी जल्दी प्रसाद पाए और उन्होंने महाप्रभु हाथ धो करके उन्होंने जल्दी जल्दी वहां से भागी और जा करके क्या किया उन्होंने एकदम गंगा में जा करके छलांग लगाई। बोले कहाँ आज फंस गए थे हैं, कहाँ फंस गए थे। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मध्य पर प्रभु अनुग्रह करे निंदक वेदांति जति तथापि संघारे। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु ऐसे जो स्त्रैण मतलब जो स्त्रियों को पर जो इतना आसक्ति था साधु बन करके भी वो दारी सन्यासी हैं स्त्रियों को साथ में रहने वाले जो स्त्रैण ऐसे व्यक्ति को पर भी महाप्रभु कृपा किया है। और कहते मध्य पोपर में भी महाप्रभु पहले सुन करके आए श्री जगाई और माधाई वो भी मध्य अभी शराब पीने वाले थे लेकिन महाप्रभु इतने पापी को ऊपर में भी कृपा किए। इसलिए कहते जगाई माधाई है ते मुई से पापिष्ट मतलब जगाई माधाई जैसे पापी जगत में कोई नहीं हो सकते हैं
इतने पापी थे, शराब पी करके महाप्रभु उसको पर कृपा किए। बोले जो स्त्रैना मतलब जो स्त्री को पर आसक्त है, कहते हमारे जो चंडीदास वो भी एक धोबिनी के ऊपर में है, एक धोबिनी के ऊपर आसक्ति हो गए थे। बिल्लो मंगल चिंतामणि वेश्या को प्रति भी उन्होंने, वो भी वेश्या को प्रति आसक्त हो गए थे चिंतामणि के ऊपर में है। लेकिन इनके जीवन में कल्याण दिखाई पड़ता है, इनका जीवन भी उदार हुआ है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अनुग्रह करे, लेकिन निंदक वेदांत जदि तथापि संघारे, लेकिन जो निंदा करने वाले और जो वेदांती हैं, वेदांती मतलब क्या है, जो लोग भगवान को निराकार निर्विशेष कहते हैं, हैं इसलिए न्यासी है या मध्यपे स्त्री संघ आचार्य तथापि ठाकुर गेला तहारे मंदिरे, चैतन्य महाप्रभु तब भी उनको घर में गए हैं, जो शराब पीने वाले स्त्री संग में रहने वाले महाप्रभु उनको घर में भी गए। लेकिन जो निंदा करने वाले जो सन्यासी मतलब जो भगवान को निराकार निर्विशेष करने वाले और जो निंदा करने वाले कहते इनको पर महाप्रभु कभी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए कहते मायावाद दोष जार हृदय पसिलो कुत्तर के हृदय तार वज्र सम फैलो। ये मायावादी फिलोसफी अगर किसकी हृदय में एक बार प्रवेश कर गया ना, कहते हे भगवान, कहते उसका हृदय कुत्तर्क में भर जाता है, इतने कुत्तर्क उसका हृदय में भर जाते हैं, उसका हृदय एकदम वज्र जैसे हो जाता है, हैं एकदम वज्र जैसे हो जाता है। इनका कल्याण होना बड़ा कठिन है, और जो निंदा करने वाले व्यक्ति है कहते इनका भी कल्याण होना बड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनिंद को हैया जो सकृत कृष्ण बोले, अजय चैतन्य सही तारी वे कहले, सत्य सत्य मुई तो उधार इधारी वे कहले। कहते जो व्यक्ति कहते कहारे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, जो व्यक्ति किसकी कभी निंदा करते नहीं है, किसकी चुगली नहीं करते हैं, और क्या करते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। इसलिए जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम को करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान उसको ऊपर में आशीर्वाद करते हैं, उसको ऊपर में कृपा करते हैं। इसलिए कभी भी हमारे हृदय में जैसे ये मायावाद दोष प्रवेश नहीं करनी चाहिए, और कभी भी उसको कभी निंदा चुगली हमें नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो एक दिन महाप्रभु हमारे ऊपर में कृपा करेंगे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि, जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गोरखनाथ विका गिरधर राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादाष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।